देश पर हुए पहले ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत हर मोर्चे पर सक्रिय हो गया है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में ड्रोन्स के दुरुपयोग का मसला उठाया गया है। भारत ने साफ कहा है कि हथियार बंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है और इस पर दुनिया को अब गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज शाम सीमा सुरक्षा पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन हमला हुआ, इसकी चर्चा प्रधानमंत्री की बैठक में होने की पूरी संभावना है। वहीं जम्मू ड्रोन हमले के बाद वहां एक के बाद एक ड्रोन्स का दिखना जारी है। 3 दिन में 3 बार अलग अलग हिस्सों में ड्रोन नजर आ चुके हैं। जम्मू के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। जम्मू में एक के बाद एक आसमान में ड्रोन नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात जम्मू में फिर से संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। 3 अलग अलग जगहों पर 3 ड्रोन देखे गए हैं। कालूचक छावनी, रत्नाचक छावनी और कुंजवानी इलाके के पास ये ड्रोन नजर आए। दूसरी तरफ इस मामले में सरकार ने कार्रवाई तेज की है। गृह मंत्रालय ने जम्मू ड्रोन हमले का मामला अब NIA को सौंप दिया है। NIA की टीम पाकिस्तान की भूमिका समेत ड्रोन हमले के हर पहलू की जांच करेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी जम्मू रवाना हो गई है, जो हमले वाली जगह का मुआयना करेगी। और देखिए बड़ी खबर क्या है, भारत ने आतंकियों के ड्रोन के इस्तेमाल के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में UN में भी उठा दिया। भारत ने बताया है कि किस तरह से सीमा पार से आतंकी ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। UN में दुनिया भर की काउंटर टेररिज्म एजेंसियों की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेष सचिव अंतरिक्ष सुरक्षा VSK कौमुदी ने भारत का पक्ष रखा और ड्रोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, दुनिया को क्यों इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, इसका जिक्र किया है। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को भारत ने उठा दिया है। पिछले 3 दिन में ड्रोन दिखने की 3 घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। पहली घटना जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में धमाके की, उसके बाद मिलिट्री बेस के पास ड्रोन नजर आए और कल रात भी 3 अलग अलग जगहों पर 3 ड्रोन नजर आए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए ड्रोन हमले से जुड़ी बड़ी खबर क्या है, यह अभी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक आज वायुसेना के अधिकारी रक्षा मंत्री को हमले से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर यह धमाका हुआ था, ड्रोन के जरिए धमाका था। अब वायुसेना के अधिकारी रक्षा मंत्री को जानकारी देंगे कि इस बारे में क्या जानकारी है, हमला कैसे हुआ, कैसे ड्रोन यहां तक पहुंच गए, क्यों ये पहले पकड़ में नहीं आए, विस्फोटक किस तरह का इस्तेमाल किया गया था, नुकसान कितना हुआ। और कश्मीर के अवंतीपुरा में पूर्व SPO फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की जो हत्या हुई, इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने कहा है कि आतंकी मासूम लोगों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाना चाहते हैं, आतंकियों को अमन चैन पसंद नहीं आ रहा। और इसके साथ ही IG विजय कुमार ने कहा है कि नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकी बचेंगे नहीं। ये उन्होंने कहा है कि आतंकी बचेंगे नहीं। सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ने ये अनाउंस किया था कि सिनेगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर सेकेंड वीक में LET का एक साकिब जो है बरजुला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडबनी से जब आर्मी का पुलिस का वहां पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा तो खुडबनी रेडबनी से शिफ्ट होकर अब्बास शेख सिनेगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को TRF कहते हैं बल्कि LET के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है क्या उबेद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। सस्पेक्टेड हाउस गया था, अंदर से फायरिंग आ गया, जिस फायरिंग में हमारे CRPF के एक ऑफिसर, 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। CRPF आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया, फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के नदीन अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए, वहां से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये मेडुल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदी अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवाल से लेकर हेतरपुरा के बीच में बार बार एंड को टारगेट करना। अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन डिजेंट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य जुड़ रहे हैं।
मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ राज काद्यान और यू के देवनाथ भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एसपी वैद्य साहब, पिछले एक हफ्ते में 4 आतंकी वारदात हो गई हैं, चाहे वो सीआईडी इंस्पेक्टर डार की हत्या हो, सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हो, ड्रोन से किया गया अटैक हो, या फिर पूर्व एसपीओ फयाज अहमद की हत्या हो, इन सभी पर आज बात करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा ड्रोन वाले खतरे को समझने से। ये ड्रोन वाला अटैक, ड्रोन का इस्तेमाल पिछले 3 दिन में 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन नजर आए हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है और कितना बड़ा खतरा है? देखिए, पहले हम जो भी हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस होती थी, जैसे एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट या वैसी दूसरी एयरपोर्ट्स हैं, उनको हम प्रोटेक्शन करते थे ग्राउंड लेवल से। बट ये नया चैलेंज बनता है जब ड्रोन से अटैक हवा से आता है, तो एक नई डायमेंशन सिक्योरिटी की हम सबको, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री और पुलिस को इसमें एक नया चैलेंज आता है। मैं समझता हूँ एयरफोर्स और आर्मी इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना या उनका एक ट्रायल रन बड़े हादसे के लिए किया जा रहा है, ये मैं इसको, हालांकि मैं वॉर मांगर नहीं हूं, बट इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एंड मैं समझता हूं कि बहुत क्लियर टर्म्स में ये पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि अगर इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करके हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स को, अगर आप डिफेंस एसेट्स को आप टारगेट करेंगे, तो हम भी यहाँ चूड़ियां पहन के बैठे नहीं है, आपको इसी लैंग्वेज में जवाब देंगे। और मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, पाकिस्तान इस बात के पीछे नहीं छुप सकता कि ये डीप स्टेट का मिलिटेंट कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी आईएसआई की मर्जी के बगैर नहीं होता है। सारे टेररिस्ट जो ऑपरेट करते हैं, वो उसमें पाकिस्तान की आर्मी और उनकी आईएसआई एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, ये बात सारी दुनिया जानती है। और बहुत अच्छा किया मेरे बैचमेट मिस्टर कामूदी, स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी MHA, जिन्होंने ये यूनाइटेड नेशन में टेकअप किया, इसको टेकअप करना बहुत जरूरी था। और इस पे मैं समझता हूँ नई रणनीति की जरूरत है, हम सबको मिलके, हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बाकी फोर्सेज हैं, मिलकर इसकी नया चैलेंज को कैसे निपटना है, इस हमें नई रन बनाने की जरूरत। ठीक है राज काद्यान जी, ऐसा तो नहीं है कि हमें पता नहीं था कि ड्रोन का इस्तेमाल होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती इलाका हो या फिर पंजाब का हो, हथियार जिस तरह से गिराए जा रहे थे सीमावर्ती इलाकों में, ड्रोन जैसे नजर आ रहे थे, हमें पता तो था कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हम तैयार नहीं थे? नहीं, तैयार एक ही सीमा होती है। देखिए, ये जो पिछले 2-3 रोज में हमले हुए हैं, इसका ताल्लुक सीधा 24 जून को जब प्रधानमंत्री कश्मीर के नेताओं से मिले थे और ऐसा लगा कि वहां पर सामान्यता आएगी, तो पाकिस्तान उससे बौखला गया है। वैसे तो NIA अभी तहकीकात कर रही है, अभी तक सिर्फ शक है, लेकिन इसमें शक में पूरी गुंजाइश है कि पाकिस्तान का हाथ है। ड्रोन आजकल आप दुकान से खरीद सकते हो, लेकिन उन पर जो पेलोड आता है, हथियार और एक्सप्लोसिव, वो सिविल से आपको नहीं मिलते, वो पाकिस्तान की देन है। ये IG साहब के साथ मैं सहमत हूँ कि पाकिस्तान को बता देना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी आप मजबूत करो। कितने मजबूत करें आप? 9 हमले आप नाकारा करें, 10वां फिर भी आएगा। दीवार ऊंची करने से पड़ोसी नहीं रुकता है। इतिहास इस बात का कहा है कि कोई भी लड़ाई सिर्फ ढाल मजबूत करने से नहीं जीती जाती, तलवार का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों नहीं हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते जो हमारे खिलाफ कर रहा है? उसके पास ड्रोन की कमी नहीं है, बड़े मित्र के देश है, उसके तो ड्रोन देते रहेंगे, कब तक हमें नुकसान उठाएंगे? इस बार ये बैडली प्लान था कि ड्रोन का हमला भी खुले मैदान में गिरा है, एक छत पर जो गिरा है उसके नजदीक हेलीकॉप्टर पार्क था, वो हिट नहीं हुआ। अगली बार शायद किस्मत हमारा साथ ना दे, तो इससे पहले हम ठीक है प्रोटेक्शन बंदोबस्त करें, ड्रोन छोटा है, रेडार के सिग्नेचर में नहीं आता, बड़ा स्लो स्पीड से आता है, लो फ्लाइंग है, पंछी की तरह नजर आता है, वो सब ठीक है। टेक्नोलॉजी का हम तरीका ढूंढेंगे किस तरीके से बचाव किया जाए, लेकिन बचाव अगर करना है तो LOC के उस पार करना पड़ेगा। जितना LOC से दूर जम्मू है, उतना ही सियालकोट भी है, लाहौर भी ज्यादा दूर नहीं है। वो जो कर रहा है हम भी कर सकते हैं,
यूएन में जाना ठीक है, किसी और दूसरे राज कादियान साहब, थोड़ा सा अगर आप मुझे ये समझा सके, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा है कि हो सकता है सीमा पार से ऑपरेट किया गया, क्या आपको लगता है सीमा पार से ऑपरेट किया गया या फिर कश्मीर में भी इनके स्लीपर सेल की कोई कमी नहीं है और कश्मीर में भी इस तरह के ऑपरेट करने वालों की कोई कमी नहीं है? हो सकता है अंदर से किया गया ऑपरेट, चाहे वो अंदर से किया गया या एलओसी के पार से गया, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अभी तक जितने ड्रोन पकड़े थे जो है तो 12 किलोमीटर के हर देश जो आया था 12 किलोमीटर, जम्मू थोड़ा ज्यादा है 14-15 किलोमीटर है, लेकिन वो भी आ सकता है। लेकिन हैंडलर चाहे वो एलओसी के पार बैठा हो चाहे इस पार बैठा है, वो है पाकिस्तान का या तो एलईटी का है जिसपे शक है पहले एनआईए को, उससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से जंगल में बैठ के ड्रोन को कंट्रोल करते हो। जब तक हम हैंडलर और उसके सोर्स पर नहीं जाएंगे, ये गंभीर हो सकता है कल का हमला और भी गंभीर हो, हमारी कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट भी बर्बाद हो जाए। 2-3 और ड्रोन डिटेक्ट हो चुके हैं, एक्सप्लोसिव जम्मू बाजार में मिला है, अभी रेलवे स्टेशन पर एक और ड्रोन मिला है। कब तक हम ये इंतजार करते रहेंगे कि यूएन कुछ करेगा या पाकिस्तान को बताने से वो बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तो सिर्फ बालाकोट वाली भाषा समझता है, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ढाल मजबूत करते रहो, अच्छी बात है। आप सिविल एविएशन को बोलोगे ड्रोन सिविल यूज के इस्तेमाल ना करें बॉर्डर एरियाज में, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको अगर रोकना है, इनको रोकने के या तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिसेबल कर दें कि हैंडलर का कम्युनिकेशन जो होता है ड्रोन से वो सैटेलाइट के थ्रू होता है, ठीक सर, हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको नाकारा कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करने के तरीके। लेकिन बहुत बड़ी बात यहां पर कही आपने, एक बड़ी अच्छी बात कही कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाना, यूके देवनाथ साहब, बड़ी अच्छी बात है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि राज कादियान साहब ने कहा, पाकिस्तान भाषा तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक वाली ही समझता है, आप चाहे संयुक्त राष्ट्र में उठा लीजिए चाहे सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड कर लीजिए, उसे उसकी भाषा में जवाब तो देना ही पड़ेगा। जी हां, आपने एकदम सही फरमाया, विदेश मंत्रालय जो अपनी रोल निभा रहा है उसकी एक खासियत और अपनी एक विशिष्ट जगह है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि देश में हिंदुस्तान के अंदर अपने स्लीपर सेल्स को बीच बीच में एक्टिवेट करके भारत के ऊपर 1000 कट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान को उनकी आर्मी को और ISI को सिर्फ एक ही तरह की लैंग्वेज समझ में आती है, वो है टिट फॉर टैट। अगर वो हमारे ऊपर 10,000 रुपए का ड्रोन छोड़ सकता है तो हम भी अपने मिलिट्री एसेट्स को एक्टिवेट करके उनके ऊपर करोड़ों रुपए का डैमेज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज देखनी पड़ेगी कि जब हम ऐसा करें तो डैमेज जो है उसमें उनकी सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। POK के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं और उनके छुपे हुए सेफ हेवेंस हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के निगरानी में हैं। बालाकोट की तरह से ही अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान को समझा दें कि हर बार वो एक सस्ते ड्रोन से हमारे ऊपर अपने गुर्गों की मदद से एक अटैक करेगा, हम उसका जवाब बहुत ही सख्त और मिलिट्री की लैंग्वेज में देंगे। टाइम आ गया है कि इसराइल ने जो चीज हमास के साथ की थी, हम भी उस लैंग्वेज का इस्तेमाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में करें। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग पड़ गया है, कोई भी मुल्क उसको किसी तरह की भी एड मदद नहीं दे रहा, और तो और अमेरिका के साथ भी उसके जो रिलेशंस हैं वो अभी लोएस्ट एब पर आ गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब तड़प रहा है कि किस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर को अलाइव रखे। कश्मीर के मुद्दे को अलाइव रखने के लिए वो ये दिखाना चाहता है कि ये सब कश्मीर की इंटरनल पॉपुलेशन कर रही हैं। जी, ये सब कश्मीर की इंटरनेशनल पॉपुलेशन कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ड्रोन अटैक को अंजाम देने में एक्सटर्नल लॉजिस्टिक्स, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट और सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। इस लेवल की ट्रेनिंग
अभी तक कश्मीर के जो लोकल स्लीपर सेल्स हैं उनमें नहीं देखी गई थी। इसीलिए सारे इंडिकेशंस ये दिखा रहे हैं कि इसमें लोकल लोगों की मदद है, लेकिन उनको जो शह मिल रही है, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि लोकल लोगों की मदद जरूर है लेकिन शह पाकिस्तान से मिल रही है। मैं दूसरी घटना का जिक्र करना चाहूंगा, एसपी वैद साहब, पूर्व एसपीओ की हत्या, इसके अलावा श्रीनगर की मुठभेड़ में दो आतंकियों का मारा जाना, पिछले 7 दिन में 4 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। मैं फयाज अहमद का जिक्र करूंगा जो कि पूर्व एसपीओ हैं, उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी पत्नी उनकी बेटी की हत्या कर दी जाती है। पिछले 7 दिन में ये 4 आतंकी घटनाएं और जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग, ये किस ओर इशारा है? देखिए, इसका डेफिनेटली लिंक है प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का, क्योंकि एक कोशिश दिल्ली से की जा रही है ताकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए और यहाँ इलेक्शन की प्रक्रिया को एक्टिवेट तेज किया जाए ताकि एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ आए। और पाकिस्तान जब भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो ISI की तरफ से ऐसे अटेम्प्ट पहले भी देखने को आए हैं और ये भी उसी का एक इशारा करता है, ये जो एस्केलेशन ऑफ वायलेंस जो इंसिडेंट हो रहे हैं। और जैसे SPO फयाज की बात करते हैं तो SPO फयाज उन शहीदों में से है जो हिंदुस्तान की फोर्सेस के साथ जो हिंदुस्तान का झंडा उठाते हैं, ऐसे लोग हमेशा टारगेट रहते हैं टेररिस्ट के। एंड आप देखिए, सिर्फ SPO को नहीं मारा, उसकी बीबी को और उस नियाती बेटी को किस बेदर्दी से इन्होंने मारा। और बड़ी ट्रेजेडी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो सच की है। सच बोलने की लोग हिम्मत नहीं रखते हैं, जानते सभी हैं कि क्या हो रहा है। और ऐसे लोग जो वहाँ मेहम और इंसानी जानों का बर्बादी कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े होके उनके बारे में ओपनली बोलना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। और हमारे अभी तक 1600 से ज़्यादा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, जिसमें 600 से ज़्यादा SPO अभी तक शहीद हुए हैं और उनकी फैमिलीज की तो बात ही गिनती ही नहीं है हमारे पास। तो कितने ये लोग जो मरने वाले हैं ये भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन उनके लिए ये लोग आंसू नहीं बहाते। और एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे कि एक तरफ हम जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध खत्म करने की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में मीटिंग से पहले CID इंस्पेक्टर डार की हत्या हो जाती है, फिर CRPF के काफिले पर हमला हो जाता है, 3 दिन में 3 बार ड्रोन नजर आ जाते हैं, SPO फयाज अहमद की हत्या हो जाती है। अगर 7 दिन में इस तेजी के साथ आतंकी वारदात बढ़ेंगी तो हम कैसे चुनाव का माहौल बना पाएंगे? बिल्कुल सही, एक बहुत चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन ये पहली बार नहीं, मैं जैसे आपको पहले भी कह रहा था कि हमेशा जब भी ऐसी बड़े कदम लेने की कोशिश की तो इस तरह की वायलेंस का लेवल बढ़ाने की कोशिश होती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है, मैं समझता हूँ। इनिशियली ये सेटबैक है, आप बहुत जल्दी देखेंगे इस पर काबू पाया जाएगा। और जहां तक ड्रोन का सवाल है, मैं जो कह रहा था कि इट्स एक्ट ऑफ वॉर, इट इज, मेरा कहने का मतलब है क्लियर लैंग्वेज, हम भी उनके असेट्स को टारगेट कर सकते हैं, हमारे पास भी ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसका जवाब पाकिस्तान को उसी की लैंग्वेज में देना जरूरी है, मेरे कहने का ये मतलब था। जहां हालांकि UN और बाकी फोरम्स में टेक अप करना ठीक है, बट पाकिस्तान उन बातों से नहीं समझता है जब तक उसको उसी की जबान में जवाब नहीं दिया जाए। बाकी जो फोर्सेस और हमारी लोकल पुलिस वहां है, वो आप देखिए, कल 2 आतंकी मारे गए, उसमें नदीम अब्रार और एक पाकिस्तानी, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेररिस्ट थे। तो इन जो भी ऐसे कदम करेंगे बहुत जल्दी उनको टारगेट किया जाएगा और वो उनको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी एक्सपर्ट्स एक बात पर सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को जरूर उठाइए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड जरूर कीजिए, लेकिन आतंकी और पाकिस्तान उनको उन्हीं की भाषा में जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक वो सुधरेंगे नहीं।
Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.